इस धरती पर हर जीव जंतु अपने बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। ये बात अलग है कि कुछ जानवरों में पिता अपने बच्चे के जन्म के बाद सारा भार उसकी माँ पर डाल देते हैं, ये उनका नेचर है। लेकिन बावजूद इसके माँ अपने बच्चे की देखभाल यानी खाने पीने से लेकर शिकारी जानवरों से बचाने तक का सारा काम करती है। दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को पालती है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। ये फ्लेमिंगो पक्षी है। लंबी लंबी टांगे, गुलाबी रंग और इसके झुंड का डांस इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता है। इन पक्षियों का झुंड भोजन की तलाश में हजारों मील दूर तक की यात्रा करते हैं। भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि इनका झुंड और इसकी आने वाली पीढ़ियां जीवित रह सके। लेकिन कई बार भोजन न मिलने की वजह से कई पक्षी और उनके बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन फ्लेमिंगो अपने बच्चों को पालने के लिए एक बहुत ही विचित्र काम करते हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पेरेंट्स फ्लेमिंगो अपने बच्चे को अपना खून पिला रहे हैं। एक पेरेंट फ्लेमिंगो ने दूसरे के सिर पर चोंच से वार करके खून निकाल दिया है और वो खून अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए पिलाए जा रहे हैं। ऐसा करते शायद ही आपने किसी और जीव जंतु या जानवर को देखा होगा, बट गाइस एक्चुअली ये खून नहीं है और ना ही ये किसी फ्लेमिंगो के सर से खून निकल रहा है। दरअसल खून जैसा दिखने वाला ये लिक्विड असल में क्रॉप मिल्क है। पेरेंट्स फ्लेमिंगो के पाचन तंत्र में इस क्रॉप मिल्क का उत्पादन होता है और फिर इसे लिक्विड यानी क्रॉप मिल्क को फ्लेमिंगो अपने बच्चों को दूध की तरह पिलाते हैं। इस क्रॉप मिल्क में प्रोटीन होता है जो फ्लेमिंगो के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब बात जब फ्लेमिंगो और उसके विचित्र बिहेवियर की हो रही है तो इसके रंग बदलने और डांस करने की कला को भला कैसे छोड़ सकते हैं? दोस्तों क्या आपको पता है फ्लेमिंगो जब बच्चे होते हैं तो ये ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो ये हमें पिंक कलर के नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली इनके रंग बदलने का मुख्य कारण होता है इनका आहार। फ्लेमिंगो पक्षियों की डाइट में एल्गी, लार्वा और ब्राइन केकड़े जैसे चीजें मौजूद होती हैं, जिनमें अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन नामक लाल केसरी रंग का तत्व काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे कैरोटीनॉइड आहार कहा जाता है। इसी की वजह से इनके रंग में गुलाबी परिवर्तन आता है और गुलाबी ही नहीं, अलग अलग देशों में रहने वाले विभिन्न मात्रा के बीटा कैरोटीन के आहार के कारण फ्लेमिंगोस का रंग पीला, गुलाबी से लेकर डार्क रेड तक हो सकता है, जो इनके आहार में मौजूद बीटा कैरोटीन की मात्रा पर निर्भर करता है। कई बार तो इनके अंडे के अंदर का हिस्सा जिसे योक कहते हैं वो भी गुलाबी निकलता है। और क्या आप जानते हैं यदि एक फ्लेमिंगो को अचानक कैरोटीनॉइड युक्त भोजन कराना बंद कर दिया जाए तो इनके पंखों का रंग वापस ग्रे कलर होने लगते हैं। दोस्तों अक्सर हमने सिर्फ मोर को ही नाचते देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं फ्लेमिंगो भी अपना पार्टनर चुनने के लिए झुंड में डांस करते हैं। इस डांस के दौरान फीमेल फ्लेमिंगो मेल फ्लेमिंगो के डांस के मूवमेंट को देखकर इम्प्रेस होती है और इसके बाद ही उसके साथ प्रजनन के लिए राजी होती है। ये डांस देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। दोस्तों वाइल्ड लाइफ एक ऐसी दुनिया है जिसके कई विचित्र, अद्भुत, रहस्यमय और खूबसूरत रंग है, और जब जब हम इन्हें देखते हैं तो आम इंसान से लेकर वैज्ञानिक तक हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों आपका फेवरेट पक्षी कौन है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें।